हेलो क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। टुडे द टर्म इज चैप्टर नंबर 3। द टाइटल ऑफ चैप्टर इज गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। आज का जो चैप्टर है 3, इस चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। आप इसको अपनी किताब खोलेंगे, फिगर में स्पष्ट नहीं दिखता है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, इसलिए आप केवल हिंदी सुने और अपनी किताब खोलकर उस तस्वीर वाले उस सहित उस मैटर को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। थोड़ा महीन अक्षर है इसलिए अपनी बुक खोलेंगे। चलिए तो स्टार्ट हो जाते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसमें क्या पढ़ना है। बिफोर यू रीड का मतलब होता है कि इसमें क्या पढ़ना है, किस मैटर पर हमें फोकस करना है, किस मैटर पर हमें डिस्कस करना है। इस मैटर को एक दो सब लाइनों में लिख देता है, तो इसमें आते हैं हम लोग। एक एक कॉमिक बुक की तरह ही है जो चित्र के साथ वर्णन किया गया है, देखते हैं। चलिए, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक्स, क्या आपने कभी कॉमिक्स की किताब पढ़ी है। ए कॉमिक बुक कंटेंस स्टोरी टोल्ड मेनली थ्रूज पिक्चर। कॉमिक बुक एक ऐसी किताब है जो तस्वीर के साथ उसमें कहानियाँ दी होती हैं। सच है, कहाँ कश्मीर पूरा तस्वीर के साथ ही इसमें कहानी दी गई है, इसलिए इसको देखें। गोपाल एंड हिल्स ऑफ फिश इस चैप्टर का नाम है। इट वॉज द हिल्स सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश। फिशर मैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। यह हिल्स ऑफ फिश की मछली का सीजन था, मछुआरे और कोई काम नहीं, केवल हिल्स ऑफ फिश की बारे में ही बात करते थे। फिश मंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। और मछुआरे जो बेचने वाले, मछली बेचने वाले, जो मछली की छोटी छोटी दुकान करके बेचती हैं, बेचने वाले कुछ नहीं बेचते थे, केवल हिल्सा मछली ही बेचते थे। देखिए इस फिगर में कहता है कम आओ, बाय द प्राइस हिल्सा फिश इज डाउन टूडे, आज हिल्सा मछली की कीमत बहुत कम है, आओ आओ। हाउस होल्ड्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। घर में भी किसी और की बात नहीं होती थी, केवल हिल्सा मछली की बात होती थी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट द हिल्सा। देखिए लेडीज पूछती है इससे कि आपने इस हिल्सा मछली की दाम कितना दिया, इसकी कीमत कितनी अदा की। यू वुड नाट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, तो ये बताता है कि यदि मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं करोगे। इन द पैलेस टू द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। महल में भी दरबारी लोग केवल हिल्स ऑफ फिश के अलावा और किसी चीज़ की चर्चा नहीं करते थे। एक आदमी दरबारी में आ बता रहा था, राजा सी, योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन ए ह्यूज हिल्स ऑफ फिश आई कॉट, इट वॉज, मेरे न्यायी क्या आपने उस बड़ी हिल्सा फिश मछली को देखा जिसे मैं पकड़ा था। तो राजा कहते हैं स्टॉप इट, रुको, आर यू ए कोर्टियर आर ए फिशरमैन, तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो। कोर्टियर फील साइलेंट विथ डाउन कास्ट आइज, द किंग फील गिल्टी। राजा जब डांटता है, दरबारियों की नज़र नीचे झुक जाती है, वो अपने आप को एक दोषी मान लेते हैं। दोषी मानते हैं, कह रहा है आई एम सॉरी आई लास्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। फिर राजा बाद में इसका दुख जाहिर करते हुए कहता है मुझे बड़ी खेद है कि मैंने अपनी धैर्य को खो दिया, ये तो हिल्सा फिश मछली का सीजन है और किसी चीज़ की नहीं है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम
टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर लिव मिनट। गोपाल के अलावा और भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हिल्सा फिश की मछली बात करता हो, और गोपाल एक मिनट भी नहीं रुकता था। तो गोपाल कहता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। राजा ने उसे कहा कि ठीक है, तुम एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदो और महल में लाओ, कोई इसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछेगा। वो कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। दिस इज वाई इज योर फेस हाफ सेफ्ट। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम्हारी जो चेहरे हैं वो आधा क्यों ही तुम दाढ़ी बनाए हो, हाफ सेविंग क्यों किए हो। तो उसने कहा, आई एम ड्रेसिंग अप टू द बाई फिश, मैं हिल्सा मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने पूछा फिर, व्हाट इज द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ एश, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस राख को क्यों मल रहे हो, अपनी गाल पर राख क्यों लगा रहे हो। फिर कह रहा है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कैन नॉट लिसन टू मी प्लीज, यू कैन नॉट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल ड्रेस विथ आर यू अप टू। उसने कहा, रे मेरी बात सुनो, इस ड्रेस में तुम बाहर नहीं जा सकते हो, इस भद्दे कपड़े में तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। तो फिर वो बताता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, औरत मैंने तुमसे कितनी बार कहा या बताया कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वह कह रही है, इट इज़ हैपन टू हीम ही इज गॉन मैड, लगता है कि वह पागल हो गया। आज का जो हिल्सा फिश चैप्टर है इसमें यहीं तक, फिर आगे इसके आपको आगे वीडियो में पोस्ट कर दी जाएगी।